इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मुंबई का फेमस तवा पुलाव कैसे बनाया जाता है। हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मुंबई का तवा पुलाव कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं तवा पुलाव बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है और इसे कैसे बनाएंगे। हमने एक पैन रख दिया है गरम होने के लिए। कढ़ाई हमारी गरम हो गई है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गरम होने देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा पकने के बाद फिर हम प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, हमें इसे बिल्कुल रेड नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक, थोड़ा भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये फ्रेंच बीन्स। फ्रेंच बीन के साथ ये फ्रोजन वन है। और अब डालेंगे शिमला मिर्च, थोड़ा नमक डाल देंगे, हल्दी आधी छोटी चम्मच, थोड़ी सी रेड चिली, थोड़ा सा धनिया पाउडर और एक चम्मच फुल पाव भाजी मसाला। इन सभी चीजों को थोड़ा भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। और इसको थोड़ा पकने के लिए रख देंगे। चलिए देख लेते हैं। ये पक चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे ये आलू जो मैंने बॉईल करके रख लिया है। आप सब्जियां कम भी डाल सकते हैं, मुझे सब्जियां ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। और वैसे ज़्यादा सब्जियां डालने से ये हेल्दी बन जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे ये राइस, बॉइल्ड राइस है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, धनिया पत्ती, और ये तैयार हो गया हमारा तवा पुलाव। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। और ये तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म तवा पुलाव। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मुंबई का फेमस तवा पुलाव कैसे बनता है।